की स्पीच के लिए एक यूनिवर्सिटी में नाम नहीं लेना चाहूंगी वहां पे गई थी और मुझे कोई जेंटलमैन है उनके नाम से वो लोग चिल्लाने लग गए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले उर्वशी रौतेला के बारे में। सो आप लोगों को मालूम होगा कि पास्ट में उर्वशी रौतेला और ऋषभ पंत की बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है, लेकिन आज उसकी लेफाई करते हुए आर्टिकल्स लिखे गए हैं जो कि उर्वशी रौतेला ने इंस्टाग्राम पर उन्हें रीशेयर किया है। मैं रीड करके आपको बताता हूं। सो गाइस, लोगों को मालूम होगा कि ऋषभ पंत को आरपी भी कहते हैं, लेकिन यहां पर उर्वशी रौतेला कह रही है कि आरपी इज माई को एक्टर एंड स्टैंड ऑफ द राम पोतिनी। सो आई वॉज नॉट इवन अवेयर द ऋषभ पंत इज ऑल्सो नाउ आरपी। सो उन्होंने बहुत सारी बातें कही है कि लोग एक्ट्रेस को कम रिस्पेक्ट देते हैं बल्कि क्रिकेटर्स को ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन वो कह रही हैं कि यहाँ पर क्रिकेटर्स रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कंट्री को, लेकिन हमने भी यानी एक्ट्रेस भी रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कंट्री को, लेकिन लास्ट में उन्होंने कहा आई माई सेल्फ हैव डन दैट सो मेनी टाइम्स बट आई डोंट नॉट लाइक दिस सिली कंपैरिजन। सो आप इस बारे में क्या सोचते हैं यार कमेंट्स में जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ने वाले हैं गोलमाल 5 के बारे में। सो गोलमाल 5 आएगी और जिसको डायरेक्ट करेंगे रोहित शेट्टी। सो उसी से रिलेटेड एक आर्टिकल लिखा गया है, इसमें उन्होंने कहा है रणवीर सिंह वेलकम टू एवरीवन एंड कॉल इट इट इज अ पार्ट ऑफ रोहित शेट्टी कॉमेडी यूनिवर्स राइट देन डायरेक्टर रोहित शेट्टी कट द एक्टर इन द बिटवीन है। बहुत स्मार्ट आदमी है, यह गोलमाल में आएगा। सो गाइस, आप लोगों को इस आर्टिकल से क्लियर हो गया होगा कि गोलमाल 5 आएगी और उसमें रणवीर सिंह होंगे। सो यार इन्फॉर्मेशन कैसे लीजिए कमेंट में जरूर बताएं, बहुत मेहनत करता हूं उसके लिए। चैनल को सब्सक्राइब यार जरूर कर लीजिए।